बैनर लगाया गया हर जगह पे, चारा चोर, टोटी चोर, व्यापम घोटाला हुआ वो नहीं बताएगा, सृजन घोटाला हुआ वो नहीं बताएगा, राफेल घोटाला हुआ नहीं बताएगा, स्मार्ट कार्ड घोटाला हुआ वो नहीं बताएगा, इलेक्ट्रिक बॉन्ड से घोटाला हुआ नहीं बताएगा, सेना घोटाला हुआ नहीं बताएगा। बताएगा क्या? जो जगन्नाथ मिश्रा चोरी कर रहा था 75 से, वो चोरी उजागर नहीं किया। जगन्नाथ मिश्रा 75 से चोरी कर रहा उजागर नहीं हुआ। हुआ कौन? जब लालू यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने चारा घोटाला कर रोके थे, उनको चारा चोर कहा जा रहा है। आज जो देश लूट लिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, उसको चोर नहीं कहा जा रहा है। देश के प्राइवेटकरण कर रहे, उसको चोर नहीं कहा जा रहा है। मुद्दा भटकाने के लिए चोर कहा जा रहा है। माननीय लालू प्रसाद जी धरोहर है, मनसन मंडेला के तरह, या जैसे माने साउथ अफ्रीका के मनसन मंडेला है, भारत के महान नेता शख्सियत लालू प्रसाद जी है, वो कोई चोर नहीं कर सकता है। बार बार जंगल राज का मसीहा, चारा चोर, क्या क्या नहीं, जिस जराज के जंगल राज कह रहे हैं ना, हम लोग के जो बैकवर्ड है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, उसका स्वर्णिम राज चल रहा था, जो जिसको पेट में दर्द हो रहा है उसके लिए जंगल राज था, जो कब्जा किया था 90 भाग में, जो 90 भाग में कब्जा किया था ना, उसको दर्द हो रहा है। लालू यादव बराबर का अधिकार दिए हाशिए पर बैठने वाले को, माने जो गाय चराने वाले को, भैंस चराने वाले को, सुगा चराने वाले को, संविधान में जो अधिकार दिया था वो लागू हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 50 में संविधान लागू किए थे, लागू तो 50 में हुआ, लागू हुआ नहीं, लागू कराने वाले 90 के दशक में माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं जो लागू करवाए हैं, उसको चोर क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि समाज को बराबरी जो लाए, उसको तो जो स्वर्णिम राज चल रहा था, बैकवर्ड का थी, पिछड़ा के दलित के, जिस समय में स्वर्णिम राज चल रहा था, उसको जंगल राज कहबे करेगा, उद्मनवादी तो कहबे करेगा जंगल राज, इसलिए उसको जंगल राज को मान नहीं देगा। हम लोग के लिए स्वर्णिम राज था, इसीलिए वो कह रहा है जंगल राज। आज कह रहे हैं जिस लालू यादव को कह रहा है ये वो, आज लालू यादव जो शिक्षा दर बिहार में 22% था, उसको 54% किया, चरवाहा विद्यालय खोला गया, स्कूल खोला गया, कॉलेज खोला गया, छह यूनिवर्सिटी खोला गया। अब बात करते हैं विकास, क्या नहीं हुआ विकास? रोड सड़क हुआ, 90 से पहले के बिहार देखिए और 90 के बाद देखिए। ये लोग मुद्दा भटकाने के लिए करता है, शिक्षा पर बात नहीं करेगा, चिकित्सा पर बात नहीं करेगा, न्याय पर बात नहीं करेगा, संविधान पर बात नहीं करेगा, जाति जगन्नाथ पर बात नहीं करेगा, करेगा क्या? लालू यादव ये है, तेजस्वी यादव ये है, हम लोग का जो समाज है उसमें भटक रहा है, भटकना नहीं चाहिए। हम लोग के संविधान पर चर्चा होना चाहिए, हम लोग के बाबा साहब जो संविधान दिए हैं उसका अधिकार पर चर्चा होना चाहिए, शिक्षा पर चर्चा होना चाहिए, चिकित्सा पर चर्चा होना चाहिए, न्याय पर चर्चा होना चाहिए। हम लोग अपना अधिकार के बात करेंगे तो वो लोग चोर के बात करेंगे, हम लोग अपना संविधान के बात करेंगे तो लोग कुछ मन और के बात करेंगे। अधिकार से मुद्दा से भटकाने के लिए लोग के मनोवादी का मनोव्यवस्था है, यही काम करना चाह रहे हैं। नया नया मनोवादी उभर रहा है बिहार से लेकर देश में, ये मनोवादी सब यही काम करेंगे, करेंगे फलना इतना ही पढ़ा हुआ है, चिन्ना ये है, हम विद्वान है। अरे विद्वान से पढ़ने अकबर तो अंगूठा छाप था, उसे से राजा कोई बना क्या? राजा के काम है न्याय देना, राजा के काम है लोकतंत्र स्थापित करना। जो 17 महीना में तेजस्वी जी किए या 17 साल में नीतीश बाबू कर दिए, नहीं, वो 5 लाख नौकरियां दिए, 5 लाख नौकरी मिला, न्याय मिला समाज को, शिक्षा मिला समाज को, आज महिला नौकरी कर रही है, महिला आगे बढ़ रही है, सबको घर में रोजगार मिल रहा है, वह तेजस्वी यादव के देन है। वाले तो कहते नीतीश कुमार का देन है। कैसे नीतीश कुमार? कहे ना नीतीश कुमार अभी तो गए हैं, 65% आरक्षण मिला ना, तो क्यों खत्म हो गया? 65% आरक्षण मिला तो मनोवादी के जैसे गोद में गया तो खत्म हो गया ना, कहाँ अभी आरक्षण दे, अभी नौकरी दे नीतीश बाबू। हम कह रहे हैं आज जो आगे बढ़ा है बिहार, आगे है देश के प्रधानमंत्री जुमला फेंक के आए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया लंकिया दिया, आज एक और जुमलेबाज बिहार में आ गया है कि हम रोजगार देंगे, हम जो शराब बेच के आपको आगे शिक्षा बढ़ाएंगे। वह जुमलेबाज कभी करेगा नहीं, सेम टू नरेंद्र, आप जान ही रहे, नाम लेने क्या जरूरत है, उसको फेमस बनाने क्या जरूरत है, फेमस बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से फेमस होंगे वो, और नहीं फेमस है वो, बिहार में फेमस होने जाने नहीं रहा है, यहाँ बिहारी है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। टोटी चोर और ये जो चारा चोर की बात है, तो चारा जब बिहार में बटता ही नहीं था तो चारा चोरी कहाँ से हुआ? लेकिन बार बार आप
के नेता पे आरोप लगाया? अरे हमारे नेता गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, तो वो चर्चा थोड़ी है जो चोर है वो करेगा। आज संविधान किस हालत में है, संगोल स्थापित हुआ है, उसके लिए आप मान लीजिए कि 28 मई को मैंने बैनर नहीं मिला था, बैनर के अभाव में दुपट्टा का बैनर बना करके मैं दिन भर उपवास पर रही थी, मेरा हालत खराब हुआ था, 6 महीना मैं बेड पर रही है। आज राजतंत्र घोषणा करने की बात चल रही है, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, लेकिन इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात क्यों नहीं होती है? जब देश में रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, वोट एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? यहाँ लैंड एक्जिबिशन एक्ट में सुधार क्यों नहीं होता है? यहाँ इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन क्यों नहीं होता है? तो यहाँ तो लैंड चोर हैं, जंगल चोर हैं, जितना भी व्यवस्था में है वो सब चीज़ का चोर बैठा हुआ है। आज देखिए कि 1990 में जितना भी गरीब के पक्ष में कानून बना था, हमारे जितने भी आदरणीय नेताओं ने बनाया था, वो सारे कानून को जैसे ही लैंड चोर और संविधान चोर आया है, तब से सारे कानून को खत्म किया है। असली मुद्दों पे बातचीत नहीं होती है, घुमा दिया जाता है। तो यहाँ मुद्दा है जर जंगल जमीन में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की, तो यहाँ जातीय जनगणना की बात नहीं होगी, यहाँ भूमि में सबको अधिकार देने की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी झूठ मूठ जो समाज में सेवा कर रहा है, जो संविधान के लिए लड़ रहा है, उसको जेल में बंद करके और सारे संविधान को खत्म करके मनुविधान लागू करने की बात चल रहा है। आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जब 90 के दौर में सरकार में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मुनिया बेटी पढ़ते जाए और गाय भैंस चरते जाए, नया सवेरा पुस्तक उन्होंने निकाला था, उन्होंने कहा था कि जे बनावे महर ललटारी दिन भर कमाए ओकरे झोपड़िया में शीत गिरी जाए, नहीं देखली गे दाय एहन अन्याय न हम देखली। उनसे बड़ा नेता कौन होगा? और आज नीतीश कुमार साइकिल कंपनी वाला से मिलकर साइकिल बेचवा रहे हैं, स्कूल में खिचड़ी खिलवा रहे हैं, और सरकारी स्कूल का हालत है कि कितने स्कूल बंद हो गया, तो सरकारी स्कूल जब बंद हो जाएगा तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? यह देश संविधान से चलेगा, मनुविधान से नहीं चलेगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि इस भारत की पूरी महिलाओं को आज रोड पर आने की आवश्यकता है, अब कुछ बच नहीं गया है, और लालू जी के साथ साथ इस देश के और समाज के जो संविधान है, उस संविधान के साथ साथ लालू जी के सम्मान में पूरे आधी आबादी को रोड पर उतरना चाहिए, और तभी यह देश बचेगा और हम लोग उतरेंगे। ओबीसी के जो आरक्षण जनरल लाया है, पूछिए यहाँ के जो लोग हैं जो कहता है कि चारा चोर है, जिससे चारा चोर नहीं, ये निवाला दिलाने वाले गरीबों के नेता थे और इन्होंने 90% का लड़ाई लड़ा है। बैनर लगा गया, आपके नेता का अपमान किया गया, चारा चोर बताया गया, टोटी चोर बताया गया है। देखिए उनके पास ऐसा कोई काम ही नहीं बचा हुआ है, बस विरोधी को किस तरह से जो किया हुआ, जो पहले से काम किया हुआ है उसी के ऊपर में वो मुद्दा को उठाते रहते हैं। आगे जो वो काम कर रहे हैं वो आज तक ऐसा कोई काम करके दिखाया ही नहीं है कि उस मुद्दे पे बोला जाए, तो उनके पास कोई काम बचा ही नहीं है। आपके नेता को चारा चोर, तो तेजस्वी यादव को टोटी चोर कहा जा रहा है। लगाने दीजिए, लगाने से क्या होता है, जो करता है और किया है वो छुपा नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने जो किए हैं शोषितों वंचितों के लिए, उनमें किसी की ताकत नहीं है करने का, उनको यही सब करने की आदत है और वो रहेगी। और मैं समझती हूँ कि बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा, 17 महीने अगर देखा जाए तो जनता सब जानती है, महिलाएं जानती है, युवा जान गया है कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। युवा से कुछ छुपा हुआ नहीं है और महिलाएं से कुछ छुपा हुआ नहीं है। बैनर लगाने से न तो वो चोर हो जाएंगे और न तो वो हमारे मसीहा, क्या कहते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, चारा चोर होंगे ना टोटी चोर होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ राजद की महिला कार्यकर्ता थी। आपको बता दें तेजस्वी यादव भाजपा ने आरोप लगाया था कि सरकारी आवास उन्होंने सामान चोरी किया, जिस पे तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की बात की है। उसके बाद बैनर लगाया गया जिस बैनर में नाम भी नहीं है, लेकिन इस पर महिलाओं ने प्रतिक्रिया दिया अपना उस बैनर को लेकर, वो क्या कुछ सोचती है, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।